आज की इस वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एक माहिर मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री कवर करने की कोशिश की है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद इब्न हसन अल तूसी की। आपकी पैदाइश 18 फरवरी 1201 में ईरान के एक शहर तूस में ख्वारिज्म सल्तनत में हुई। आप एक पर्शियन पोली मैथमेटिशियन, आर्किटेक्ट, फिलोसोफर, फिजिशियन, साइंटिस्ट और थियोलॉजियन थे। नसरुद्दीन अल तूसी एक बहुत माहिर ऑथर थे। आपने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट और नए नए टॉपिक्स पर अपने रिसाले लिखे। इंजीनियरिंग प्रोज और मिस्टिसिज्म पर आपने अपनी कलम की मदद से दुनिया को इल्म से रोशनास करवाया। शहर हमदान जाकर अल तूसी ने सबसे पहले कुरान, फिर हदीस, उसके बाद जाफरी लो पर तालीम हासिल की। आपको बता दें कि नसरुद्दीन अल तूसी एक शिया घराने में पैदा हुए। आप एक आलिम और आला मुजद्दिद थे। छोटी सी उम्र में ये पढ़ने के बाद आपने फिलोसोफी और मैथमेटिक्स मोहम्मद हसीब से सीखा। अपने वक्त के ग्रेट मैथमेटिशियन कुतुबुद्दीन अल मिस्री के लेक्चर्स अटेंड किए। अल तूसी के इन्वेंशंस की बात की जाए तो इस वीडियो में उनके इन्वेंशंस पर एक हल्की सी नज़र डाली जा सकती है, क्योंकि वीडियो में इतना कवर कर पाना बेहद मुश्किल है। आपको नसरुद्दीन तूसी के बारे में और जानना है तो आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, जिस बुक का नाम है सैर व सुलूक। अल तूसी एक माहिर और सक्सेसफुल एस्ट्रोनोमर और मैथमेटिशियन थे। आपने सिर्फ एक बुक तो क्वाड्रिलेटरल पर ही लिख रखी है, जिसका नाम है किताबुल शक्ल अल कत्ता। एस्ट्रोनॉमी पर आपकी खास किताब है अल तस्किरा फिल्मल हया और अल रिसाला अल अस्तुरलविया और जीजी लिखानी आपकी एस्ट्रोनॉमी पर लिखी गई मशहूर किताबें हैं। आपने इस्लाह के लिए कुरान पर एक किताब लिखी जिसका नाम आगाज़ व अंजाम है। नसरुद्दीन अल तूसी ने हलाकू खान से रिक्वेस्ट करके अपने लिए एक लेब तामीर करवाई, जिसमें वो एस्ट्रोनॉमी पर स्टडी किया करते थे। एस्ट्रोनॉमी पर पहली बार आपने ही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया और प्लानेटरी मोशन को ईजाद किया, बखूबी दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन और उनका अर्थ के साथ रिलेशन डिफाइन किया। आपका ये इन्वेंशन दुनिया के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। अगले 200 साल तक आपके इस प्लानेटरी मोशन लॉ को कंसीडर किया गया और फिर कोपरनिकन के हीलियोसेंट्रिक मॉडल ने इस लॉ को रिप्लेस किया। नसरुद्दीन अल तूसी ने उसके बाद तूसी कपल ईजाद किया, जिसकी मदद से आपने ये बताया कि दो सर्कल को किस तरह मूव किया जाए कि वो लीनियर मोशन में मूव करें। आगे चलकर यह मैकेनिज्म की मदद से एक और मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए क्रैंकशाफ्ट का इन्वेंशन किया, जिसकी आज पूरी दुनिया मोहताज है, जिसका इस्तेमाल आज कार या किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए किया जाता है, जिसमें सिर्फ पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और इसके जरिए लीनियर मोशन बनता है और कार को चलने में या किसी भी फोर व्हीलर को चलने में मदद मिलती है। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी 150 ऐसे वर्क्स हैं जिस पर नसरुद्दीन अल तूसी ने काम किया है। प्लेनेटरी मोशन को अच्छे से समझने के लिए आपको नसरुद्दीन अल तूसी पर लिखी गई बुक कंटेम्पलेशन ऑफ एक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये दौर था इस्लामिक गोल्डन एज का दौर, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और हमें अफसोस होता है कि आज हम एजुकेशन से अपने आप को बहुत दूर ले जा चुके हैं। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आपको एक बुक पढ़ना चाहिए, 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम्स, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे अजदाद ने किसी किसी कुर्बानी और इस दुनिया को क्या क्या इन्वेंशंस करके दिए हैं। तो मैं रेहान अंसारी आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।